अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आपको डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसको हम लोग डैश डाइट बोलते हैं। जैसे कि डाइट में बहुत सारा आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका इंक्लूजन करना चाहिए। आपको सॉल्ट आपकी बहुत कम रखनी है, आपको अराउंड 2.4 ग्राम्स पर डे ही सॉल्ट लेनी है। इसका मतलब ये है कि आपको रेगुलर खाने में आपको सॉल्ट कम नहीं करनी है। सॉल्ट आपको अलग से जो लेते हो, जैसे अचार, पापड़ वगैरह, ऊपर से अगर कोई आपने अगर नमक डाला तो इसको आपको कंट्रोल करना है। आपको आपके खाने में नट्स, बीन्स जैसे ग्रेन्स, जो होल ग्रेन्स होते हैं, वो ज़्यादा खाने हैं। खाने में आपके जो फैट्स होते हैं, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब आपको कम करने हैं, क्योंकि वो सारे जाके आपके ओवरऑल ब्लड प्रेशर को अनकंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, जो एक प्लेन ग्राउंड पे आप अगर स्प्रिंट कर सकते हो तो एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे एक फिजिकल एक्टिविटी आपको आप चूज करके आप उसको रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको एक हेल्दी लिविंग करनी है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि विथ स्ट्रेस भी आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो सकता है। तो स्ट्रेस कम करने के तरीके जैसे मेडिटेशन, योगा, इनको भी फॉलो कर लेना चाहिए। आपको ओवर द काउंटर कोई मेडिकेशंस नहीं लेने, पेन किलर्स वगैरह, जो बेसिकली किडनीज को भी अफेक्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप ब्लड प्रेशर को जितना अच्छे से कंट्रोल करोगे आप उतने ही तंदुरुस्त रहोगे। थैंक यू।